सपना और राज, इनका रिश्ता आज तलाक तक पहुंच चुका है, लेकिन कभी यह एक खुशनुमा रिश्ता था। यह कहानी हवस और प्यार की है, इन दो जज्बों के जंग की है, और वो यहां से शुरू होती है। ये क्या कर रही हो? Oh, come on. Sit on the bar stool. Okay, तो फिर एक शेर सुनाओ। शेर? No. तो फिर मैं नहीं उठूंगी। चुराया है तेरी नजर ने मेरे दिल का सब्रों करा। आगे? आगे का याद नहीं। देखते हैं तुम्हें, चाहते हैं तुम्हें, सोचते हैं तुम्हें बार बार। यही तो है। हाँ, रोमांटिक पति जो है। इनसे मिलिए, हमारे हामिद साहब। जानती हूँ, तुम्हारे ऑफिस में काम करते हैं। अजी, हम भी समझते थे कि हम इन्हें जानते हैं। क्यों, आज कोई राज पता चला? 6 महीने से किसी दूसरे के साथ लगे हुए। बीवी समझती है कि ओवर टाइम कर रहा है ऑफिस में। छोड़ो यार, कुछ खाने को मंगाओ। अरे राज, इसके लिए कुछ वेजिटेरियन मंगाओ यार। कहते हैं शेर भूखा मर जाएगा लेकिन घास नहीं खाएगा। अरे मैं कहाँ का शेर यार। दो दो को खुश रखे हुए फिर भी कहते हैं कहाँ का शेर। तुम कहाँ जा रही? मैं बोर हो रही हूँ। तो आओ अपने दूसरे शेर से मिलवाते हैं। शेर सरीन साहब। सरीन साहब? शेर नहीं है तो बब्बर शेर है, बब्बर शेर। अरे राज, अब मेरे पीछे मत पड़ो। अरे इनकी शेर दिली तो 2 साल से जारी है, लेकिन मजारे की वाइफ को जरा भी शक हो जाए। यू बी विथ योर शेर। जाने हम शेर कहा। हाय रीटा। हाय। तू बहुत लकी है यार, तेरा हस्बैंड तुझे डिस्को में लाता है। ओह हेलो, वो नहीं लाए, मैं जबरदस्ती आई हूँ।
टैक्सी टैक्सी। ओह गुडनेस मी, आप ठीक तो है ना? हाँ आइए रास्ते से इस तरफ आ जाइए। जरूर ये ड्राइवर पाकिस्तानी होगा, वरना तो हर कोई क्रॉस करने वाले पेडेस्ट्रियन को देखकर रुकता ही है। अरे आपका तो खून बह रहा है। कोई बात नहीं, टैक्सी। सुनिए इस एरिया में टैक्सी मिलना काफी मुश्किल है, मैं पास ही रहता हूँ। चलिए घर चलकर डिटॉल लगा लेते हैं, वरना आपके जख्म सेप्टिक हो जाएगा। नहीं मैं घर जाके डिटॉल। टैक्सी। घर तो तभी जाएंगे ना जब टैक्सी मिलेगी। इट्स लंच आवर, रश आवर। चलिए घर चलिए, मरहम पट्टी कर लेते हैं, तब तक मैं आपको टैक्सी भी दिला दूंगा, लंच आवर भी खत्म हो जाएगा। कम ऑन चलिए ना, कम ऑन कम ऑन कम ऑन, नॉट अ प्रॉब्लम, कम ऑन। होम स्वीट होम, कम ऑन आइए। दिस इज माय हाउस, फील एट होम। आइए ये है मेरा छोट, एक पेंटर हूं मैं, शर्माइए नहीं, जिस्म को देखने में क्या शर्म। आप बैठिए मैं डिटॉल लेकर आता हूं। आपका खून तो अभी बह रहा है। हाँ वो तो बहेगा ही, डिटॉल जो नहीं लगवाई। मामा मिया, हियर इट इज, बैठिए। ओह आई एम सो सॉरी, बैचलर हूं ना इसके लिए ये कपड़े, सॉरी प्लीज बी कंफर्टेबल। हाँ डिटॉल। मैं लगा लूंगी। नो कोई अपने आप को डिटॉल ठीक तरह नहीं लगाता क्योंकि जलता है। नहीं मैं जब जलता है घाव तभी भरता है। बहुत मासूमियत है आपके चेहरे में, एक पेंटर की नजर से देख रहा हूं। बैठिए बैठिए मैं बैंडेड लगा देता हूँ। नहीं मैं खुद लगा लूंगी। अरे अपने जख्मों को सिया तो क्या सिया, कोई तन्हाई में जिया तो क्या जिया। अच्छा शेर है लेकिन मेरे घर में बैंडेड है। तो आपका ऊपर आना वेस्ट हो गया, आपके घर तो बैंडेड है लेकिन डेटॉल नहीं है। ओ नाइस वन। ये लम्हा जिंदगी है, जीना है तो इस लम्हे को जी लो, इस किताब में लिखा है, बहुत बार पढ़ चुका हूं मैं। जीने के फलसफे जो इस किताब में लिखे हैं उन्हें पढ़कर लगता है हर एक को एक बार ये किताब पढ़नी चाहिए। अरे मेरी तरफ से छोटा सा तोहफा आपके लिए। नहीं मुझे प्लीज प्लीज, आपकी आंखों को देखकर लगता है आप जीना सीखना चाहती हैं। प्लीज आपको लगता है आप मेरी आंखें पढ़ सकते हैं? बिल्कुल। अपने आप पर इतना भरोसा मत कीजिए, धोखा खा जाएंगे। मेरी डिक्शनरी में धोखा नाम का शब्द नहीं, ना मैं वादा करता हूं किसी से ना धोखा, ना मैं वादा लेता हूं किसी से ना धोखा। एनीवे मैं चलती हूं। ओके अगली बार कभी यहां से गुजर रही हो तो इट्स एन ओपन हाउस। आप घर में इतनी जल्दी? I had to catch up with some work. अच्छा आप कहाँ गई थी? आप बीवियों के भी मजे हैं, शॉपिंग करो घूमो फिरो। क्या करूं? आप मुझे काम भी तो करने नहीं देते। आपको काम करने की क्या जरूरत है रानी साहिबा, उसके लिए हम जो ठहरे, दिन रात मेहनत करते हैं ताकि दुबई से अमेरिका शिफ्ट हो जाएं, वहां पर हमारा अपना एम्पायर होगा, कंपनी का मकान नहीं अपना घर, गाड़ियां एंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स। पर ये आपको अमेरिका से इतना लगाव क्यों है? डॉलर्स डार्लिंग डॉलर्स।
राज, हम इंडिया जाकर भी तो एक बड़ा सा बिजनेस खोल सकते हैं ना। दुबई में रहने के बाद इंडिया? नो, इट्स गोना बी अमेरिका। ये क्या हुआ? मैं गिर गई। चोट तो नहीं लगी? लगी, फिर कोई भला सा इंसान मिल गया था, उसका घर पास में ही था, घर ले गया और डिटॉल लगा दी। कौन था वो भला सा इंसान? समवन हैंडसम? कम ऑन, शर्मा रही हो? आपको तो शर्म नहीं आती ऐसी बातें करते? डार्लिंग, मेरा नाम राज शर्मा नहीं, राज मित्तल है। सिक जोक। हम पतियों के जोक्स तो सीख ही होते हैं। और पत्नी का प्यार? पत्नी का प्यार ग्रेट। ये कह भी रहे हो तो अपना लैपटॉप याद आएगी? बस बहुत हो चुका, मैं आपके मुंह नहीं लगना चाहती। गले लगना चाहती हैं? मैंने आपको एक शरीफ इंसान समझा था। शरीफ होता तो आप दोबारा मिलने नहीं आती। अब जान लिया है आपका असली रूप। चलो फिर तो आप आती रहेंगी? कभी नहीं। जो अपने आप से भागते हैं वो अक्सर मेरी बाहों में आ जाते हैं, वो भी आ जाएगी। Yeah, I'll call you back. Yeah, no problem. Yeah, okay. Hi. अरे तुम यहाँ? सरप्राइज। आज अचानक? हाँ, और क्या करूँ, तुम आजकल दफ्तर का काम घर ले आते हो तो मैंने आज सोचा घर को दफ्तर ले आऊँ। चलो इधर आओ। आओ आओ बैठो। ऑफ कोर्स मैं बैठूंगी, ये मेरा ही तो ऑफिस है। क्या ले हो मेरे लिए? दिखता नहीं, शर्ट है बस। देखना चाहती थी कि ये तुम पे फिट होती है कि नहीं। Wow, it's a beautiful shirt. Nice color. चलो पहन कर दिखाओ। सपना, are you mad? अरे पहनो ना प्लीज, फिर लंच करने जाते हैं। लंच? ये लंच किया सूची तुम्हें आज? थोड़ा तो वक्त मिले तुम्हारे साथ अकेले में। ठीक है, तो क्या खाना पसंद करोगी? चाइनीज। चाइनीज, लेट्स गो, चाइनीज खाने चलते हैं। सर एक्चुअली, ओह सॉरी, मुझे पता नहीं था कि मिसेस मित्तल यहाँ पर हैं। कोई बात नहीं, आमिर बोलो। और सर मैं आपको बताना भूल गया कि 1:30 बजे मिस्टर जॉनसन से मीटिंग है। मिस्टर जॉनसन से मीटिंग बताना भूल गए तुम? सॉरी सर। सॉरी डार्लिंग, मुझे जाना होगा। तो फिर लंच? अरे लंच तो कभी भी करते रहेंगे हम, लेकिन मिस्टर जॉनसन मेरे बॉस हैं। कम ऑन आमिर। राइट। अच्छा हाँ, तो टैक्सी लेकर घर चले जाना। अरे ये क्या है? देखो जिंदगी कितनी रंगीन है। क्या खो गई थी जाना? नहीं कुछ नहीं। कहीं तो खो गई थी जो आपको हमारे कदमों की आहट सुनाई नहीं पड़ी? नहीं नहीं। क्या कोई तुम्हारे ख्यालों में बसा है क्या? Shut up. Go and change. मैं डिनर 15 मिनट्स में तैयार करती हूँ। ओके डार्लिंग, बाय। हेलो, व्हाट अ सरप्राइज। इत्तेफाक की बात है ना कि हम दोनों एक ही शॉपिंग मॉल में शॉपिंग कर रहे हैं? ये इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। चलो भाई, पकड़ा गया हूं तो आपको बोल ही दूं, 5 दिन में 5 बार चक्कर काट चुका हूं इस मॉल के। क्यों? लास्ट टाइम आपने फोन जो किया था इस मॉल से। ओफो, तब ये जरूरी तो नहीं कि मैं इसी मॉल में आऊं? मैं दूसरे 5-6 मॉल के भी चक्कर लगा चुका हूं। आपको क्या लगता है मैं दिन भर मॉल्स में घूमती रहती हूं? अरे जिनके पति अमीर हो और अपनी बीवी को काम ना करने देते हो वो अक्सर मॉल्स के तो चक्कर लगाती हैं। देखिए मैं आपके मुंह नहीं लगना चाहती हूं, मैं जानता हूं। बाय। बट व्हाई? हेलो लिसन, आई एम सॉरी। सॉरी? सॉरी किस बात का? लास्ट टाइम मैंने जो आपके साथ मिसबिहेव किया, I'm bad. I know I'm a bad boy. उस दिन की, forget it. आपको एक बार तो घर आना होगा। जी नहीं। कॉफी के लिए? No. Then beer? No. Then champagne? I said no. Please. बहुत
मासूम लगते हो चेहरे से, लेकिन हो बहुत घुन्ने। घुन्ने? Whatever that is, I like it. देखिए ना, कॉफी ठंडी हो रही है। कॉफी ठंडी हो रही है? हाँ, मैं रोज आ जाता था मॉल में आपको ढूंढने के लिए कॉफी बना के। प्लीज प्लीज चलिए ना, प्लीज प्लीज। हियर इट इज, कॉफी। थैंक्स। एक दिन आपकी पेंटिंग में जरूर बनाऊंगा। आपकी आंखें इतनी खूबसूरत है। वैसे भागेगा नहीं, मैं बाहर आ रहा हूँ। भागूंगी क्यों? लास्ट टाइम आप भाग गई थी। सॉरी, आपने भगा दिया था क्या? आंखें, आपको बुरा तो नहीं लग रहा मैं आपकी इतनी तारीफ कर रहा हूँ? किसी लड़की को बुरा लग सकता है, उसकी तारीफ करें तो और करूँ? नहीं, आज के लिए इतना काफी है। लगता है आपकी तारीफ करने वाला कोई नहीं है। क्यों? इतने में आपका पेट भर गया। चलिए मैं आपको अपना घर दिखाता हूँ। आपने खाली मेरा ड्राइंग रूम देखा है और वॉशरूम। कम ऑन। आइए ना, आइए। अरे अरे आई एम सॉरी, वापस आ गए हम। वो यहाँ है। वेरी नाइस। दरअसल ये अपार्टमेंट मेरा नहीं है, मेरे दोस्त का है। वो इजिप्ट चला गया, उसने मुझे रहने के लिए दे दिया। लकी मी। ये एक बेडरूम, वॉशरूम जहां आप अपनी रंगीन जिंदगी धोने गई थी। ये मेज रूम, मेज तो है नहीं। और ये है मेरा मास्टर मास्टर बेडरूम। प्लीज। We'll be right back.
ऑफिस में काम करते करते थक गया था, तुम्हारा ख्याल आ रहा था, मैं तुम्हें वक्त नहीं दे पाता, बहुत गलत करता हूं। आई एम सॉरी जाना, आई एम रियली वेरी सॉरी, लेकिन अब कोशिश करूंगा। मैं वादा तो नहीं कर सकता, तुम मुझे प्यार करती हो ना? ये कैसा सवाल है, बोलो ना। हाँ। चलो आज मैं तुम्हें डिनर पर लेके चलता हूँ। नहीं। क्यों? फिर कभी। इट्स ओके। कहाँ तो तुम्हारे पैर घर से निकलते नहीं थे, अब है कि घर में टिकते नहीं। हेलो डार्लिंग, घर में क्या कर रही हो? कम ऑन लेट्स गो फॉर लंच। नहीं आ सकती मैं तुमसे मिलने। डोंट बी क्रेजी। अरे पर तुम बात समझने की कोशिश तो करो। नहीं मैं कुछ नहीं समझ रहा, 1:30 माबला क्लब में मैं इंतजार कर रहा हूँ। कम ऑन। अरे पर हेलो आज मैं बाहर जा सकती हूँ? इसमें पूछने की क्या जरूरत है? नहीं फिर आके डायलॉग तो नहीं मारोगे ना? नहीं तुम जाओ, लेकिन जल्दी आ जाना। ओह थैंक यू सो मच, थैंक यू। यू आर ब्यूटीफुल। कोई नहीं देखेगा, कम ऑन। अरे सेक्सी है। डोंट डू दिस इन पब्लिक। या क्यों, तुम्हारा हस्बैंड थोड़े यहाँ पे? योर बिजी हस्बैंड इज वर्किंग बेबी, कम ऑन। Let's go. हामिद, मिस्टर जॉनसन अभी तक नहीं आया यार। आई बुक द टेबल फॉर 1:30। वो कभी अपने लंच अपॉइंटमेंट के लिए लेट नहीं होते। क्या हुआ हामिद मियां, किन ख्यालों में खोए हुए हैं? सर मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ सर। क्या सर? आप अपने घर पे भी ध्यान दीजिए, आप अक्सर देर रात घर जाया करते हैं। घर पे क्या ध्यान देना हामिद मियां, काम काम, जब तक काम ठीक चल रहा है सब कुछ ठीक चल रहा है। करियर इज द मेन थिंग हामिद, करियर। Darling, I'm home. Where are you? I'm in the bath. Bubble bath. हम भी आ रहे हैं। पानी
गर्म है और इसे ठंडा लग रहा है। आजकल कपड़े बड़े चुन चुन कर पहनने लगी हो। आपकी खातिर? मेरी खातिर, वो भी दिन में जब मैं नहीं होता। मेकअप भी अच्छा करने लगी हो, वो भी दिन में। आजकल ताने बहुत मारने लगे हैं आप। चलो छोड़ो, व्हाट अबाउट लंच टुडे? नहीं नहीं, मेरी वो ब्यूटी सैलून में अपॉइंटमेंट है आज 12:30 बजे की। इसका मतलब है आज लंच ब्यूटिशियंस के साथ करोगी? हाँ, बस सैंडविच। ओ, तुमने क्या नाम है तुम्हारे ब्यूटी सैलून का? नूर। नूर, हैव अ गुड डे। थैंक यू। मरियम, नूर ब्यूटी सैलून का पता लगाइए और मुझे कॉल दीजिए, मैं होल्ड पर हूं। ओके सर। सर, उस ब्यूटी सैलून का फोन बज रहा है। नूर ब्यूटी सैलून? हाँ, मैं राज मित्तल बोल रहा हूँ। क्या आज 12:30 बजे का अपॉइंटमेंट मिसेज मित्तल का आपके साथ है? जी नहीं सर, तो शायद वो अपॉइंटमेंट लेना भूल गई होगी। हाय सपना। हाय रीटा। हाय रमोना। कैसी है तू? ठीक हो तुम? ना फोन, ना मिलना, ना वो डांसिंग। किधर जा रही है? बहुत बिजी हो गई है क्या? नहीं यार, बस मैं विंडो शॉपिंग। विंडो शॉपिंग? और यहाँ? यहाँ तो सारी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकानें हैं। तुझे इलेक्ट्रॉनिक्स का शौक कब से हो गया? अरे नहीं यार, बस वो एनीवे छोड़ ना यार, चल कॉफी पीने चलते हैं। अरे नहीं नहीं यार, चल ना, कम ना। हेलो। हेलो, मैं थोड़ा लेट आऊंगी, मुझे कुछ सहेलियाँ मिल गई हैं। हो कहाँ? उस दिन जिस कॉफी शॉप में गए थे हम, वहीं तुम्हारे घर के सामने। तो अपनी सहेली को भी ले आओ। Shut up. No problem, baby. Take your time. Take your time. I'm waiting. Okay, bye. किससे बातें कर रही थी? लगता है तुम्हारा किसी के साथ अपॉइंटमेंट है। Come on. वैसे भी हम लड़कियों को ना एक आध अफेयर तो कर ही लेना चाहिए, क्योंकि शादी के कुछ साल बाद पतियों का इंटरेस्ट पत्नियों में कम होता जाता है। उस अफेयर में दर्द के अलावा और कुछ नहीं मिलता। क्यों, तुम्हारे साथ कुछ ऐसा हुआ है? हुआ है ना रीटा, आपस में ही तो बैठे हैं, बता ना। रमोला, क्या बताऊं तुझे यार, था कोई कुछ महीने एक नशा सा था, फिर अंत में वही दर्द। अब कहाँ है वो? शादी कर ली, जर्मनी चला गया, खुश होगा अपनी बीवी के साथ। छोड़ो ना, कुछ और बातें करते हैं। मगर मन तो दीवाना होता है, कहता है फिर प्यार करो, खासकर लड़का उस स्टड की तरह हो तो। मैं जरा वॉशरूम होकर आती हूँ। अरे what are you doing? Love making in public place. कोई आ जाएगा? इसका अपना ही मजा है। Hey,
फिर और फो रीटा, तुम ये भी टाइम कर रही थी? मुझे तो लग रहा है तुम उस स्टड के साथ। कौन सा स्टड? वही स्टड जो पीछे खड़ा है। Have a good day, girls. See you. Oh, too much, यार। जिंदगी एक्साइटिंग हो सकती है अगर कोई ऐसा लव हो तो। एक्साइटिंग बट डेंजरस। That was fun. Lust. Hawas. क्या बात है, नाराज लग रही हो? क्या ये भी मेरी आंखों में लिखा है? तुम्हारे सर से लेकर पांव तक लिखा हुआ है ये। पता है तुम्हें, जब मैं तुमसे नहीं मिलती हूँ बहुत बेचैन रहती हूँ, और जब तुम मुझसे मिलती हो उस दिन मैं अपने आप से नफरत करती हूँ। I hate myself. Then go, finish this relationship for us. खत्म कर दो इस रिश्ते को। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो, शायद उसी से मुझे सुकून मिलेगा। Then go to your boring, unromantic, bloody, idiotic husband. उनके खिलाफ एक भी लफ्ज मत कहना। I will kill you. Oh boy, what a woman, man. कॉन्ट्रैक्ट हमारे हाथ से निकला कैसे? मिस्टर जॉनसन पूछेंगे तो जवाब मुझे देना होगा। मुझे समय ये समझा कि टेंडर की डेट 26 जनवरी है, लेकिन वो 24 निकली। That's it. जो आदमी अपने काम के बारे में लापरवाही कर सकता है वो हमारे किसी काम का नहीं है। सर, आप मुझे फायर कर रहे हैं? हाँ, मैं तुम्हें फायर कर रहा हूँ। मैं तुम्हारा वीजा कैंसिल करवा दूंगा और तुम्हें वापस पाकिस्तान जाना होगा। सर प्लीज, आप मेरी बीवी और बच्चों के बारे में तो सोचिए सर। ये तुम्हें लापरवाही करने से पहले सोचना था। सर मेरा बच्चा स्कूल में पढ़ता है, जनवरी में उसे कहीं भी एडमिशन नहीं मिलेगी पाकिस्तान में। प्लीज सर, मैं तुम्हारी गलतियां अपने सर पर जॉनसन के सामने नहीं ले सकता। सर प्लीज सर, प्लीज सर, मेरी फैमिली के बारे में कुछ सोचिए। यू आर फायर्ड, दैट इज फाइनल। अरे आप मेरी फैमिली के बारे में क्या सोचेंगे? आप तो खुद अपनी फैमिली को काबू में नहीं रख सकते। व्हाट डू यू मीन? अरे कभी दिन में जाके देखिएगा कि आपकी बीवी कहाँ होती है। जबान खींच लूंगा तुम्हारी। जबान खींचते से सच नहीं बदल जाता सर। Get out. Why say you get out from here? You're finished with this company. सीखा गए ब्रिटिश। किसी का पीछा करना है कर लोगे? अभी भी आप ही के पीछे करो सरकार। पीछा करना ही तो हमारा काम है। अब आप यूं ही खड़े रहेंगे या आगे भी कुछ? मेरी शक्ल देखना चाहते थे ना, देख ली। पीछा किसका करना है? ये जानना तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है। ओके, पता पता हम बताते हैं।
वो क्या करती हैं, किससे मिलती हैं, कहां जाती हैं, उनकी तस्वीरें चाहिए मुझे। सरकार, इनका 8-10 दिन तो पीछा करना पड़ेगा, यही कुछ 2000 दिराम तो लगेंगे। कीमत की मुझे परवाह नहीं, क्योंकि जाती जिंदगी और खुशी की कोई कीमत नहीं होती। उनका पता आप खाना नहीं खा रहे? भूख मर सी गई है कुछ दिनों से। क्यों, क्या हुआ? तुम्हारी चिंता। मेरी? हाँ, यही कि तुम दिन भर क्या करी हो, कहाँ जाती हो। ये क्यों पूछ रहे हैं आप? बीवी हो, फिक्र तो रहेगी। मैं क्या कर सकती हूँ दिन भर? कल रीटा और रमोला के साथ कॉफी पीने चली गई थी, या तो शॉपिंग चली जाती हूँ। सच, मैं 3 दिन के लिए काम के सिलसिले में बाहर जा रहा हूँ। अचानक? हामिद को निकाल दिया मैंने, आई फायर्ड हिम। इसीलिए आप इतने परेशान हैं? भरोसा उठ गया था उसके ऊपर से। दरअसल मुझे किसी पे भी भरोसा नहीं रहा। जाग रही हो तो सुन लो, मैं 4 तारीख को 5:30 बजे एयरपोर्ट पहुंच जाऊंगा। हो सके तो मुझे पिक कर लेना। होप यू विल बी देयर। सी यू। क्या बात है, आज तुम बहुत खुश लग रही हो। अभी तो तुमने मेरी आंखें भी नहीं पढ़ी। आंखों से नहीं तो सांसों से पता चल ही जाता है बेबे। चलो ना कहीं घूमने चलते हैं। आज छुट्टी मनाने का मूड लगता है तुम्हारा? हाँ, 3 दिन की छुट्टी। 3 दिन की छुट्टी, इसका मतलब? सवाल आज तुम नहीं करोगे, मैं करूंगी। तो करो। मुझसे प्यार करते हो? प्यार करना तो आता है, पर प्यार में पढ़ना नहीं आता। मेरे दिल में इतना प्यार है, लेकिन कद्र करने वाला कोई नहीं। चलो आज तुम्हारे दिल की सुनते हैं, प्यार में क्या महसूस करती हो और प्यार में क्या कहना चाहती हो। दिलावर बोल रहा हूँ सरकार। हाँ दिलावर बोलो। सरकार, वो खुरफकान में गए हुए हैं। क्या कहा? मैं भी तो खुरफकान में हूँ। वो ओशियानिक होटल में रुके हुए सरकार। ओशियानिक होटल में? रूम नंबर 412। क्या तकलीफ है आपको? आप यहां क्या? मैंने आज चेक इन किया है, क्या प्रॉब्लम है? दरवाजा तोड़ोगे? क्या चाहिए? आई एम सॉरी।
बस बस बस, अब मैं समझ गया प्यार का मतलब। वाकई? लिबास जो पहन लिया मैंने। तुम कभी नहीं समझोगे प्यार का मतलब। छोड़ो मुझे जाना है। कहाँ? राज आ रहा है, उसे एयरपोर्ट पिकअप करने जाना है। छोड़ो मुझे। कैसे हैं आप? जिंदा हूं। तुम कैसी हो? मैं ठीक हूं। दुबई में ही थी? हाँ, क्यों पूछ रहे हैं आप? कुछ और बात साबित कर दूं तो? क्या कह रहे हैं आप? अब जो बात करूंगा सबूत के साथ करूंगा। ये क्या हो गया आपको? आई फील लाइक अ वोल्केनो, जिस दिन फट गया अंदर दबाव अलावा ना जाने कितनों को जला कर राख कर देगा, ये मैं भी नहीं जानता। बस वक्त का इंतजार है।
तुम्हारा पति नहीं हूं जो मुझसे ऐसे सवाल कर रही हो। मैंने तुमसे कहा था ना मैं वादा देता हूं ना तो धोखा। तुमसे मिलना ही गलती थी, तुम्हारे साथ हर चीज ही गलती थी। I hate you so much. I hate you. Hate me? Hate me? Hate me, baby. I love it. How are you, baby? We will meet today. I'll call you back, John. I'll call you back, okay? Yes? Raj. Mera naam Raj Mittal. Sapna meri wife. Oh, Mr. Mittal. Aaiye. Baithiye. क्या पियेंगे आप? कहूंगे तुम्हारा खून तो तो मैं कहूंगा आप मजाक अच्छा कर लेते हैं। ये मजाक तुम्हें महंगा पड़ सकता है। मुझे सस्ते महंगे की परवाह नहीं, मेरे लिए जिंदगी एक मजाक है। देखिए, मुझे पता है सपना आपकी बीवी है, लेकिन मैंने उसके साथ कोई जबरदस्ती नहीं की। जो कुछ भी किया उसकी मर्जी से किया। दुनिया में कोई सही और गलत नहीं होता,
मैं नायक हूँ खलनायक नहीं। नायक हूँ मैं खलनायक नहीं। जरूर आपके रिश्ते में कोई कमी होगी जो वो मेरी बाहों में आई। वैसे जिस लड़की को मैं अपनी बाहों में लेना चाहूँ वो आ ही जाती है। सपना के साथ तो ज्यादा कोशिश करने की भी जरूरत नहीं पड़ी। चीयर्स। लोहा गरम था बस चोट करने की देर थी। मैं बड़े फ्रैंक किस्म का आदमी हूं मिस्टर मित्तल। आपकी शादी खत्म हो चुकी है। क्यों? क्योंकि मैं ना शादियों का बहुत बड़ा एक्सपर्ट हूं। क्योंकि मैंने कभी शादी ही नहीं की। आप लोग क्या शादी करके ये समझ लेते हैं कि लड़की आपकी मिल्कियत है? गलत, टोटली रॉन्ग। मैं ये सब दुनिया के सोसाइटी के नियमों को नहीं मानता। नॉट एट ऑल। मैं एक आजाद ख्याल का पेंटर हूं। सॉरी। अगर आप मुझे यहां ये कहने आए हैं कि मैं सपना को छोड़ दूं, तो मैं कहूंगा मैंने छोड़ दिया, मैं किसी और के साथ लग गया हूं। शकीरा, शकीरा। सपना ने मुझे गिफ्ट दिया। जान, हैप्पी एनिवर्सरी टू यू। वाओ, इट्स सो प्रिटी। यू लाइक इट? आई लव इट। लड़कियां मुझे बहुत गिफ्ट देती हैं, क्योंकि खुश जो कर देता हूं मैं उन्हें। वैसे भी आपने कुछ अच्छा नहीं किया सपना के साथ। वो तो बहुत प्यार देना चाहती थी पर आपके पास वक्त ही नहीं। लेकिन मुझे उसके या किसी और के प्यार की कोई जरूरत नहीं जिंदगी में। माई मेन बिजनेस इन लाइफ इज लस्ट, हवस। जिंदगी प्यार नहीं, हवस है, और वही मैंने सपना में जगाया। दैट्स इट। Double seven.
यू कैन लीव अ मैसेज। मेरा तुमसे मिलना ही गलती थी, मैं ये रिश्ता तोड़ रही हूँ। वैसे भी हमारे बीच में कोई रिश्ता था ही नहीं, अब हम कभी नहीं मिलेंगे। मैं भूल जाना चाहती हूँ कि हम लोग कभी मिले थे। मेरा अकेलापन था कि मैं तुम्हारे पास खींची चली आई। मैं राज से प्यार करती हूँ और हमेशा करती रहूंगी। आपको याद नहीं आज खान की बर्थडे पार्टी है? पार्टी? अरे हाँ, आज तो पार्टी में जाना था। अम्मा मियां आ भी जाओ। अच्छा ठीक है, आप जल्दी आइए, वेट कर रहे हैं। मैं पहुंचता हूँ। देखो तो कौन आया है। ओहो, हैप्पी बर्थडे खान। फूल कहाँ है? फूल तो लाना भूल गया। और तोहफा? दरअसल तोहफा भी लाना भूल गया। छोड़ दो यार, फूल भी छोड़ दो, तोहफा भी छोड़ दो। अपनी बीवी के लिए कुछ तोहफा लाओ। तोहफा? सपना के लिए तोहफा। अम्मा तुम तो यार सीरियस हो गए मियां। Cheer up, yeah. It's my birthday. Give him a drink. Come on. Cheers. Cheers. Cheer up, everybody. Yeah. Enjoy yourself. Happy Enjoy. Happy birthday to you. Happy come on, come on.
No, no, no. It's my fault. It's fine. Just fine. Sure. Yeah, it's fine. Okay, sure. Fine. Yeah, yeah, definitely. I call it off for insurance. No, no, no. It's okay. It's my fault. It's my responsibility. No, no, it's okay. It's okay. Thank you very much. All right, then. बात है, ऐसे तो पहले कभी नहीं किया आपने। तुम्हें क्या बताएं, क्या क्या किया है पहली बार हमने। पहेलियों में बातें भी पहली बार ही शुरू की है आपने। जिंदगी पहले पहली भी कभी नहीं थी। क्या बात सता रही है आपको? क्या बताऊं, क्या क्या? कल आधी रात उठी तो कमरे में भी नहीं थे आप। तुमने तो पूरा घर ढूंढ मारा होगा। हाँ, कल रात नींद नहीं आ रही थी, ड्राइव पर चला गया था। ये भी पहली बार? जूते बदल लूं वरना जमाना हंसेगा। पहली बार? तुम्हारे हस्बैंड नहीं आए तुम्हारे साथ? हाँ, मेरे हस्बैंड गए हैं लंदन बिजनेस ट्रिप पर। बिजनेस ट्रिप, पता है ना यार, होगा किसी अंग्रेज की बाहों में झूल रहा होगा। वैसे ये मर्द सारे एक जैसे होते हैं। हाँ, लेकिन आजकल मामला कुछ उल्टा ही चल रहा है। What do you mean? Wives are having affairs? Anyways, Raj is so handsome, I don't mind having affair with him. Affairs करना मेरा department नहीं है, Rita. Police
पुलिस क्या चाहती थी? क्या कोई लापता है? मैं तड़पा तड़पा कर मार सकता जितना तुम दोनों के कारण मैं तड़पाऊं। तुम जल्लाद हो। और तुम क्या हो? तुमने मेरे भरोसे, मेरे विश्वास को धोखा दिया, बेवफाई की मेरे साथ। मैंने ऐसा क्यों किया? ये सोचा है आपने? सफाई पेश मत करो। पर ऐसा क्यों किया? ये वजह जानने की कोशिश की है आपने? पाप करने की कोई वजह नहीं होती। जो तुमने किया वो महज हवस थी, वो भी एक ऐसे आदमी के साथ। हाँ, पति पत्नी के रिश्ते में प्यार के अलावा कुछ और भी होता है। शट अप! इतने अरसे से कभी एक बार आपने मुझे कभी प्यार से छुआ? चिल्लाओ नहीं, घर की दीवारों में दरार पड़ जाएगी। अपने पाप को लफ्जों का चोला पहनाकर ढकने की कोशिश मत करो। जो तुमने किया वो सिर्फ पाप था। हाँ, मैंने पाप किया है। और आपके वो दोस्त, अगर वो अपनी बीवियों को धोखा दे तो वो शेर है। बस वही एक औरत करे तो शी इज अ बिच। अक्सर सच से हार कर मर्द ताकत का सहारा लेता है। मुझे सिर्फ तलाक चाहिए। अमेरिका जाकर सेटल होना था, बड़े बड़े ख्वाब देखे थे मैंने, लेकिन अब हम दोनों इंडिया वापस जाएंगे। वहां पर हमारा तलाक होगा, हम दोनों अलग होंगे और फिर मैं अमेरिका चला जाऊंगा। एज ऑफ टुडे यू फिनिश्ड माय करियर। मुझे आपकी सजा मंजूर है, लेकिन आंखों में पछतावा नहीं मगर दिल में है। सुबह पर नहीं, बस सोच रही हूं कि आपने इतनी छोटी सी सजा कैसे सुना दी। मैंने जो पाप किया है उसकी सजा तो फांसी होनी चाहिए। वो हमारे बस में होता तो वो भी दे देते, लेकिन फिलहाल सिर्फ तलाक। एक भूल सपना और राज को उस मुकाम तक ले आई है जिस दलदल से निकलना आज बहुत मुश्किल है। एक तरफ तलाक और दूसरी तरफ पुलिस है। Ticket for Mumbai. Okay. Madam, I'm getting late. Just a moment, please. कबूतर उड़ना चाह रहे हैं। Thank you.
सुना है कि आप अपना मुल्क इंडिया भाग रहे हैं, सो जाके मिलता चले। भाग नहीं रहा हूँ, जा रहा हूँ। पूछ सकता हूँ किस लिए जा रहे हैं? माँ की तबीयत ठीक नहीं है। अल्लाह सलामत रखे। 3 सूटकेस पैक है। चौथा कर रहा हूँ। साल डेढ़ के लिए जा रहे क्या? नहीं, सिर्फ 15 दिन के लिए। इतने सामान के साथ 15 दिन? रिश्तेदारों के लिए गिफ्ट खरीदी है। हम भी तो आपके रिश्तेदार ही हैं। आपको भी गिफ्ट चाहिए? घूस देने का कोशिश है? गिफ्ट को घूस का नाम आप दे रहे हैं। जबान लड़ाने का बहुत आदत है तुम्हें। बचपन की आदत है, आसानी से जाती नहीं। बचपन की आदत की वजह से जवानी जेल में न कट जाए रफीक। इंस्पेक्टर साहब, आप बीच में नहीं बोलेगा मोहतरमा। वो क्या है ना कि आपकी मीठी जबान की वजह से राशिद मियां थोड़ा पिघल जाते हैं। जाने तो हम नहीं देंगे मियां। क्यों? जबरदस्ती है। क्यों? वो भी बचपन से पसंद नहीं है। अब हम आपको क्या बताएं कि हमें बचपन से क्या पसंद है और क्या पसंद नहीं। मगर सहना पड़ेगा, हमारा वतन है और हम यहाँ कैदी हैं। जुर्म ना करो तो मेहमान, और जुर्म करो तो कैदी। मैं आपके ऊपर वालों से बात करना चाहता हूँ। ऊपर वाले भी हम ही हैं मियां। ऊपर वाला तो सिर्फ एक है, लेकिन वो मुजरिमों का साथ कहाँ देता है? जुर्म साबित करने से पहले आप हमें मुजरिम नहीं बुला सकते। ऊंची आवाज में हमसे बात करने के लिए अभी अंदर कर सकता है तुमको। हाँ खान, ऑफिस का ध्यान रखना। हाँ मैं बस अभी निकलने ही वाला हूँ। इंस्पेक्टर साहब, एक मिनट। हाँ ओके। हाँ खान, मेरा मोबाइल ऑफ था। मैं मुंबई पहुंचते मिस्टर जॉनसन से बात कर लूंगा। क्या कहा तुमने उनसे? मैंने प्यार से समझाया कि आपका इस केस से कोई वास्ता नहीं। और वो मान गए? क्यों नहीं मानेंगे? एनीवे, आप जाइए, आपकी फ्लाइट का वक्त हो रहा है। मैं गाड़ी एयरपोर्ट पर छोड़ दूंगा। खान के पास डुप्लीकेट चाबी है, वो कल तुम्हें घर पर दे जाएगा। ठीक है। और हाँ, किसी भी तरह तुम 15 दिन के बाद इंडिया चली आना। मैं जानती हूँ आपको तलाक की बहुत जल्दी है, फिक्र मत कीजिए, शायद आपको तलाक की जरूरत ही ना पड़े। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं मजाक कर रही थी। बाय। इंस्पेक्टर राशिद बोल रहा हूँ। मैं आ रही हूँ, बताइए किस पुलिस स्टेशन आना है? बुशेरा पुलिस स्टेशन। मैं आ रही हूँ। Excess? How much excess? You will have to pay extra for it. No problem.
मैं अपने आप को पुलिस के हवाले कर रही हूँ। मैंने कहा था ना, तुम्हें डिवोर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये खत तुम्हें इंडिया में मिलेगा। प्लीज मुझे माफ कर देना। आई विश यू ऑल द बेस्ट। देना चाहते मुझे दे दीजिए, मुझे मंजूर है सर, मुझे मंजूर है। इंस्पेक्टर राशिद, अलमाफी मौजूद। इजलिस, इजलिस। क्या कर रही हो तुम यहाँ? चलो जल्दी चलो। सपना मौजूद। सपना ना मौजूद। माफी मौजूद। Come on! Hey! Hey, रुको! Hey! किधर भाग रहे हो? चलो, चलो। जुबान देख भागता है खबीसा। जल्दी करो हसन भैया, पकड़ कर आएगा उसको। कौन था सपना के साथ? पता नहीं। क्या करने जा रही थी तुम? मैंने पूछा क्या करने जा रही थी तुम? अब गए क्यों नहीं? आपको चले जाना चाहिए था। कुर्बानी देना चाहती हो? समझती क्या तुम अपने आप को? हसन भैया गाड़ी और तेज चलाओ वरना वो भाग जाएगा। तुमने कभी सोचा यहाँ की हुकूमत अगर तुम्हें फांसी पे चढ़ा देगी तो मेरा क्या होगा? किधर गया होगा वो दोनों खबीस? हेलो कंट्रोल रूम, इंस्पेक्टर राशिद बोल रहा हूँ। सारे यूनिट कलेक्ट कर दो, उसका घर पे ही पता करो। हाँ, वो सीधा अपने घर पे ही गया होगा। फौरन गाड़ी एयरपोर्ट की तरफ मोड़ो। हसन भैया वो दोनों अपने घर की तरफ ही नहीं गया। घर नहीं जा सकती है वो। Thank you.
विद ऑर्डर्स। ऑल यूनिट्स अलर्ट, ऑल यूनिट्स अलर्ट। मिस्टर राज मित्तल और सपना मित्तल मुंबई के लिए ट्रैवल कर रहे हैं। जिस भी एयरलाइन से ट्रैवल करें उनको इत्तला की जाती है, उनको रोको, उनको बोर्ड ना करने दिया जाए। ऑफ लोड देम। दिस इज अ सिक्योरिटी अनाउंसमेंट। दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल एयरलाइन ऑफिशियल्स टू ऑफ लोड मिस्टर राज मित्तल एंड मिसेस सपना मित्तल एंड रिपोर्ट देम टू द सिक्योरिटी डेस्क इमीडिएटली। थैंक यू। सनमिया वो टर्मिनल ए में नहीं है, चलो बी में देखते हैं। टारगेट पे चलो। मैंने पहले ऐसे कभी आपको हंसते हुए नहीं देखा, और वो भी जब मुजरिम फरार हो गए। अल्लाह ताला ने जब उन्हें जाने दिया तो हम बंदे कौन होते उन्हें रोकने वाले। हसन मियां लगता है ये हादसा होगा, कत्ल नहीं। सही फरमा रहे राशिद मियां, वरना ये हमारे हाथ से कैसे निकल जाते। वाकई